वेलकम ऑल. इन दिस सेशन वी विल रीड चैप्टर 8, गो किस द वर्ल्ड. सो ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है काफ़ी फेमस ऑथर की, जिनका नेम है सुब्रोतो बागची. इन्होंने अपने बारे में अपनी लाइफ स्टोरी बताई है इसके अंदर. तो अब स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स देयर आर लेसन्स इवन इन स्मॉल थिंग्स दैट वी डू. तो फिर ये जो ऑथर हैं ये कहते हैं कि कभी कभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में करते हैं उनसे हमें बहुत लेसन सीखने को मिलते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. व्हाट आर द रूटीन टास्क व्हाट यू डू एट होम. तो क्या रूटीन टास्क है आपका, मतलब जो आप घर में क्या करते हो उन चीज़ों से. What activities do you participate in regularly with your parents and grandparents, अपने parents के साथ, अपने grandparents, अपने मतलब अपने दादा दादी के साथ, इनके साथ आप क्या क्या activities करते हो, क्या क्या काम करते हो. What lessons do you learn from them, आप उनसे क्या क्या lessons सीखते हो, क्या क्या बातें आप उनसे सीखते हो. In this autobiographical narrative, the author pays tribute to his parents. तो ये autobiographical narrative है. autobiographical का मतलब होता है जो person अपने खुद के बारे में जब लिखता है तो उसे autobiography कहते हैं. तो the author pays tribute to his parents. तो इसके अंदर author अपने parents को tribute pay कर रहा है. tribute मतलब उनको उनके बारे में बताना चाह रहा है कि मतलब उन्होंने कितना अच्छा करा, तो tribute कर रहा है उनको. He also gives us an insight into how the strong morals, और वो हमें एक insight भी दे रहा है, साथ में हमें एक चीज़ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे strong morals मतलब जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, मतलब जो हमारे अंदर अच्छाई है. and the simple principles followed by his family, और सिंपल प्रिंसिपल्स जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो उनकी फैमिली फॉलो करती थी, जो उनकी फैमिली जिस हिसाब से रहती थी, enabled him to achieve success in his life. कैसे उनको हेल्प करा, कैसे ये जो ऑथर है ऑथर को कैसे हेल्प करा इन सारी चीज़ों ने. तो अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. I was the last child of a small time government servant. मैं लास्ट चाइल्ड था स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट का, मतलब जो उसके फादर थे, जो ऑथर के फादर हैं वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी एक गवर्नमेंट जॉब है, उनके लास्ट चाइल्ड था, सबसे छोटा बच्चा था वो उनके. इन अ फैमिली ऑफ 5 brothers और 5 भाइयों की फैमिली थी, उसमें सबसे छोटा था ये ऑथर. माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ माई फादर इज़ एज दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन कोरापुट. तो वो कहते हैं कि मेरी सबसे अर्लीस्ट मेमोरी जो थी, जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरी है मेरे फादर के साथ, वो है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे कोरापुट में, जो उड़ीसा में है. देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नो प्राइमरी स्कूल, ना ही कोई प्राइमरी स्कूल थे. प्राइमरी स्कूल होते हैं जो 1st से 5th तक के जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं, KG से लेकर 5th तक के बच्चों के स्कूल्स होते हैं, उन्हें प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं. तो छोटे बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था वहाँ आसपास. एंड वाटर डिड नॉट फ्लो आउट ऑफ अ टैप, और जो पानी था वो नल में से आता नहीं था. एज अ रिज़ल्ट आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि मैं स्कूल नहीं जाता था अनटिल द एज ऑफ 8. 8 साल की उम्र तक मैं स्कूल नहीं गया. आई वॉज होम स्कूल्ड, मैं होम स्कूल्ड रहा. होम स्कूल्ड का मतलब होता है कि घर में ही बच्चे को रखना, और उसको घर में ही पेरेंट्स थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देते हैं, उसको होम स्कूल कहते हैं. माई मदर वॉज रेज्ड बाय अ विडो and had come as a refugee from then East Bengal. तो वो कहते हैं कि जो मेरी मॉम थी वो raised by a widow का मतलब है कि एक विडो के तरह बड़ी. and had come as a refugee, और किसकी तरह रही, एक refugee. refugee का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पूजा, मतलब refugee का मतलब होता है जो जिनको कंट्री से निकाल दिया जाता है, जिनको कंट्री से बाहर भेज दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं रह सकते. फ्रॉम द देन ईस्ट बंगाल, कहाँ से, ईस्ट बंगाल से. शी वॉज अ मेट्रिकुलेट, जो उनकी मॉम थी वो एक मेट्रिकुलेट थी, मतलब 12th पास थी. व्हेन शी मैरिड माई फादर, जब उन्होंने मेरे फादर से शादी करी थी. माई पेरेंट्स सेट द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ, जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी लाइफ की फाउंडेशन सेट करी है. फाउंडेशन का मतलब होता है मेरे लाइफ की नींव उन्होंने रखी है, मुझे बनाने वाले वो हैं.
द वैल्यू सिस्टम दैट मेक्स मी वट आई एम नाउ, जो वैल्यू, जो चीज़ें आज मैं हूँ, जो भी मैं बना हूँ, सबकी नींव मेरे पेरेंट्स ने रखी थी. एंड वट आई एम नाउ, और जो भी आज मैं हूँ, एंड लार्जली डिफाइंस दैट सक्सेस मीन्स टू मी टूडे, और जो भी आज मेरे लिए सक्सेस है वो सब मेरे पेरेंट्स की वजह से है. एज अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर माई फादर वॉज गिवेन अ जीप बाय द गवर्नमेंट. तो जो उसके पापा थे, उनके पापा को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो, तो उनके पापा को जीप मिली थी. वाइल ही कुड यूज़ द जीप टू कम्यूट टू हिज ऑफिस, जब वो मतलब जब उन्हें जीप से जाना था, मतलब अपने ऑफिस के ऑफिस जाने के लिए जब उन्हें अपनी जीप यूज़ करनी थी, माई फादर रिफ्यूज़, मेरे पापा ने मना कर दिया, सेइंग दैट इट वॉज नॉट हिज जीप. उन्होंने ये कहा कि ये उनकी जीप नहीं है, बट द गवर्नमेंट्स जीप, बल्कि ये गवर्नमेंट की जीप है. He would walk to his office. वो अपने ऑफिस तक पैदल जाते थे. The jeep driver was treated with the respect due to any other member of my father's office. और जो जीप ड्राइवर था उसको भी काफ़ी रिस्पेक्ट से ट्रीट करा जाता था, ड्यू टू एनी अदर मेम्बर ऑफ माई फादर्स ऑफिस. और मतलब ऐसे रखा जाता था कि मतलब मेरे फादर के ऑफिस से जैसे कोई और मेंबर होते हैं, जैसे फादर ऑफिस में काम करने वाले जैसे और लोग होते हैं, उसी तरीके से जो ड्राइवर था, ड्राइवर को भी उसी तरीके से ट्रीट करा जाता था, उसी तरीके से इज्जत दी जाती थी. अवर डे यूज़ टू स्टार्ट विद द फैमिली हडलिंग. तो वो कहता है हमारा दिन कैसे स्टार्ट होता था, फैमिली हडलिंग. फैमिली हडलिंग होता है, हम सबके घरों में ऐसी सिचुएशन होती है कि सुबह सुबह हमें बच्चों को स्कूल जाना होता है, पापा को काम पे जाना होता है, मम्मी भी जिनकी काम करती है उन्हें भी काम पे जाना होता है, या फिर वो घर का काम कर रही होती हैं, तो सब लोग सुबह सुबह हडलिंग कर रहे होते हैं, सब लोग इधर से उधर अपने काम में घूम रहे होते हैं, तो उसे हडल करना कहते हैं. अराउंड माई मदर्स चूल्हा, और मदर्स चूल्हा मतलब जो मम्मा जहाँ पे खाना बनाती है, तो वहाँ पे आसपास सब घूम रहे होते हैं ना, हडल मतलब घूम रहे होते हैं, इधर उधर हो रहे होते हैं. एन अर्थन फायर प्लेस दैट शी वुड बिल्ड एट ईच प्लेस ऑफ पोस्टिंग. उन्होंने क्या बनाया था, चूल्हा होता है, एक अर्थन फायर प्लेस होता है, मतलब ज़मीन पे आपने देखा होगा ईंटें लगा देते हैं और उसमें लकड़ियाँ वगैरह डाल के उसके ऊपर आप बर्तन रख के खाना बना सकते हो. तो उसकी जो मम्मी हैं वो ऐसे ही करती थी, जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती थी, जिस भी जगह उन्हें जाना होता था, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होती है ये वाली डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की, इसके अंदर बार बार पोस्टिंग होती रहती है हर जगह, मतलब बार बार भेजा जाता है, ट्रांसफ़र होता रहता है. वेयर शी वुड कुक फॉर द फैमिली. तो ऐसे ही वो अर्थन फायर प्लेस लगाती थी, ऐसे ही वो चूल्हा बना देती थी ज़मीन पे रख के, और फिर वो खाना बनाती थी उसमें. द मॉर्निंग रूटीन स्टार्टेड विद टी. अब सुबह किससे स्टार्ट होती थी, चाय से. एज द ब्रू वॉज सर्व्ड. ब्रू होती है टी या फिर कॉफ़ी के मग को ब्रू कहा जाता है. फादर वुड आस्क अस टू रीड अलाउड द एडिटोरियल पेज. तो जो फादर थे, जो उनके पापा थे, उनके पापा वो बच्चों को कहते थे कि तुम अच्छी आवाज़ में, अलाउड मतलब तेज़ आवाज़ में एडिटोरियल पेज पढ़ो. ऑफ द स्टेटमेंट्स मोफसल. स्टेटमेंट मोफसल कहते हैं रूरल एरिया के बारे में जो जितनी भी न्यूज़ वगैरह है वो सब अच्छी आवाज़ में पढ़ो. डिलीवर्ड वन डे लेट. जो एक दिन पहले की सारी खबर आती है ना अखबार के अंदर, तो वो सारी बात बताई जाती है. We did not understand much of what we read. तो फिर वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, मतलब वो जो ऑथर है वो कहता है हमें नहीं पता होता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर को में से, क्योंकि 8 साल के बच्चे को इतनी बातें समझ नहीं आती जो न्यूज़पेपर में लिखी हुई हैं. बट द रिचुअल वॉज मेंट फॉर अस टू नो दैट द वर्ल्ड हैज़ लार्जर देन कोरापुट. लेकिन जो रिचुअल है वो इसलिए बनाया था हमारे लिए, जो रिचुअल था मतलब कि फादर ये कहते थे कि तुम अखबार पढ़ोगे, वो रूल इसलिए बनाया था उनके फादर ने, बिकॉज वो ये बताना चाहते थे अपने बच्चों को कि कोरापुट से बाहर की भी दुनिया है, कोरापुट से भी बड़ी दुनिया है. एंड द इंग्लिश आई स्पीक टूडे डिस्पाइट हैविंग स्टडी इन एन ओरिया मीडियम स्कूल हैज़ टू डू विद दैट रूटीन. और वो कहता है कि और जो आज मैं ये इंग्लिश बोलता हूँ ना, ये इंग्लिश भी मैं इसी वजह से बोल पा रहा हूँ, जबकि मैंने ओरिया मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है. ओरिया मीडियम स्कूल में मतलब आप वहीं की भाषा बोलोगे, उस स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी जो मैं आज इंग्लिश बोल पाता हूँ वो मैं सिर्फ इसी वजह से बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डलवाई थी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता था दैट वॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता था. उसके बाद
After reading the newspaper aloud, as were told to fold it neatly, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमें ये कहा जाता था कि न्यूज़पेपर को जैसे आपके पास क्रीज्ड न्यूज़पेपर पूरा आता है ना, उस न्यूज़पेपर को वैसे ही बिल्कुल फोल्ड करके अच्छी तरीके से रखो। फादर टॉट अस अ सिंपल लेसन, वो कहते हैं मेरे पापा ने हमें एक सिंपल लेसन सिखाया था, एक सिंपल बात सिखाई थी। ही यूज़ टू से, वो ये कहते थे, यू शुड लीव योर न्यूज़पेपर एंड योर टॉयलेट द वे यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इट। वो कहते हैं तुम्हें अपना न्यूज़पेपर और अपना टॉयलेट ऐसे छोड़ना चाहिए, उसी हालत में छोड़ना चाहिए जैसी हालात में तुम उसको देखने की एक्सपेक्टेशन रखते हो। मतलब हम अगर वॉशरूम में जाते हैं, हम टॉयलेट में जाते हैं, तो हमें वो नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। ऐसे ही जो न्यूज़पेपर है, हमें वो अच्छी तरीके से फोल्डेड चाहिए होता है। तो उनके कहने का मतलब था जैसा आप खुद देखना चाहते हो उस चीज़ को आप वैसा ही छोड़ के जाओ। That lesson was about showing consideration to others. तो ये जो सिखाई थी बात इन्होंने, जो ये लेसन सिखाया था, ये लेसन इसलिए सिखाया था कि हमें दूसरों को भी कंसिडर करके चलना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोच के चलना चाहिए कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग सकती, वो चीज़ फिर किसी और को कैसे अच्छी लगेगी। Being small children, we were always enamored. अब वो कहते हैं कि हम छोटे थे तो इसलिए हम enamored का मतलब होता है had a liking और admiration for, मतलब हमें बहुत, मतलब बहुत सी चीज़ें पसंद आती थी with the advertisement in the newspaper for transistors। जैसे हम newspaper में advertisement देखते थे, छोटे बच्चे होते हैं तो newspaper में उन्हें pictures दिखती है colorful, तो ऐसे उन बच्चों को भी दिखती थी, तो उसमें न्यूज़पेपर में ट्रांजिस्टर्स की एड आती थी। ट्रांजिस्टर्स रेडियो जो होते थे, पहले रेडियो बहुत ज़्यादा इन थे, फैशन बहुत था उनका तब। वी डिड नॉट हैव वन, वो कहते थे, वो कहता है, बच्चा कहता है, ऑथर कहता है कि हमारे पास नहीं था ट्रांजिस्टर रेडियो। वी सॉ अदर पीपल विद रेडियोज एंड ईच टाइम देयर वॉज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिप्स। और वो कहते हैं कि हमने वो और लोगों के पास देखा है रेडियो, और हर बार हम एडवर्टीज़मेंट देखते थे फिलिप्स, मर्फी और बुश रेडियोज़ की, मतलब ये कंपनीज़ के नहीं है, फिलिप्स तो अभी भी चलती है, तो इनकी बारे में हम एड्स देखते थे। वी वुड आस्क फादर व्हेन वी कुड गेट वन, तो वो अपने पापा से पूछते थे कि पापा हमें कब मिलेगा हमारा खुद का रेडियो। ईच टाइम माई फादर वुड रिप्लाई दैट वी डिड नॉट नीड वन बिकॉज ही ऑलरेडी हैड 5 रेडियोज। तो उसके पापा हर बार ये जवाब देते थे कि हमें ये रेडियो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5 रेडियो। तो वो 5 रेडियो से क्या मतलब था, अल्यूडिंग टू हिज 5 सन्स, अल्यूडिंग टू हिज 5 सन्स, मतलब वो इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि जो ये मेरे 5 बच्चे हैं, ये मेरे 5 बच्चे को किसी रेडियो से कम थोड़ी है, तो मेरे पास पहले से ही 5 रेडियो हैं, तो हमें रेडियो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इतना शोर मचता होगा घर में। सो वी ऑल्सो डिड नॉट हैव अ हाउस ऑफ अवर ओन, तो वो कहता है, जो ऑथर है वो कहता है, हमारे पास अपना खुद का हाउस भी नहीं था। And would occasionally ask father as to when, और वो कहते थे कभी कभार हम फादर से पूछ लेते थे कि कब हमारा अपना घर होगा, लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, वी वुड लिव इन आवर ओन हाउस, तो फिर वो फिर से वही जवाब देते थे कि हम अपने खुद के घर में ही तो हैं। ही वुड गिव अ सिमिलर रिप्लाई, वो सेम रिप्लाई कहते थे, वी डू नॉट हैव अ हाउस ऑफ आवर ओन, वो कहते हैं कि वी डू नॉट नीड अ हाउस ऑफ अवर ओन, हमें अपना खुद का घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी ओन 5 हाउसेज, मैंने पहले से ही 5 घर ले रखे हैं। हिज रिप्लाइज डिड नॉट ग्लैडन अवर हार्ट्स, तो वो बच्चा कहता है कि उनके जो जवाब होते थे ना, जो उनके रिप्लाई होते थे, उससे हमारा हर्ट बिल्कुल भी ग्लैडन नहीं होता था। ग्लैडन का मतलब होता है बिल्कुल भी हमें उस वो जवाब सुन के खुशी नहीं होती थी। Nonetheless, we learned that it is important not to measure personal success and the sense of well-being through material position. तो nonetheless मतलब हमने, मतलब we learned that कि हमने ये सीखा कि it is important not to measure, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी खुशी किसी material position से ही लें, मतलब घर होना चाहिए, रेडियो होना चाहिए, ये non-living thing से ही हमें खुशी मिलती है, खुशी इन चीज़ों में नहीं होती। तो इनके फादर ने इनडायरेक्टली उनको तीसरा लेसन भी सिखाया लाइफ का कि इन चीज़ों से खुशी नहीं होती। गवर्नमेंट हाउसेस सेल्डम केम विथ फेंसेस, अब जो गवर्नमेंट हाउसेस होते थे ना, जो सरकारी जो घर मिलते हैं, वो जो हाउसेस होते थे वो फेंसेस से कवर्ड होते थे, ठीक है।
मदर एंड आई कलेक्टेड ट्विग्स एंड बिल्ट अ स्मॉल फेंस अराउंड अवर हाउस. ठीक है, फेंस होता है जहाँ पे आप थोड़ी बहुत गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो. तो जो उनकी जो मॉम थी, ऑथर की मॉम थी वो, और वो जो बच्चा था जो ऑथर था, वो हमेशा छोटी छोटी ट्विग्स, छोटी छोटी लकड़ियाँ पेड़ पौधों की, वो सब उठाते रहते थे. और अपने घर के पास उन्होंने एक ऐसा, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, छोटा सा फेंस कर ली, बना लिया था. शी हैड ऑल्सो प्लांटेड सम सीडलिंग्स, जो उनकी मॉम थी, मॉम उनकी मम्मा ने कुछ सीडलिंग्स, कुछ बीज विच बिगेन टू ब्लूम, ये सब बोना शुरू करे थे और जो धीरे धीरे उगने लग गए थे. जस्ट एट दैट टाइम माई फादर्स ट्रांसफ़र ऑर्डर केम, और उसी टाइम पे मेरे पापा का ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया फिर से कि आपको भाई कहीं और शिफ्ट होना है. अ फ्यू नेबर्स आस्क्ड माई मदर, अब कुछ नेबर्स मेरी मम्मा से पूछते वाई शी वॉज प्लांटिंग सीड्स डैट वुड ओनली बेनिफिट द नेक्स्ट ऑक्यूपेंट. तो जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो उसकी मम्मा से, ऑथर की मम्मा से पूछते हैं कि तुम ये बीज क्यों बो रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि इसका जो बेनिफिट है, ये जो पौधे वगैरह जो ग्रो होंगे वो दूसरे ऑक्यूपेंट को मिलेंगे. ऑक्यूपेंट मतलब जब जो दूसरा पर्सन इस घर में आकर रहेगा उसको फ़ायदा मिलेगा जो ये पेड़ पौधे उगेंगे. शी सेड आई मस्ट क्रिएट अ ब्लूम इन अ डेजर्ट. तो फिर वो कहते हैं, तो वो कहती है कि मुझे डेजर्ट में ब्लूम तो क्रिएट करना ही है. डेजर्ट मतलब खाली जगह पे मुझे ब्लूम तो मुझे बनाना ही है. आई मस्ट लीव इट मोर ब्यूटिफुल देन वट आई हैड इनहर्टेड. वो कहते हैं कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ की जगह तो मुझे और सुंदर बना के जानी ही है. डेजर्ट मतलब होता है, डेजर्ट आपने देखा ना, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, बिल्कुल खाली जगह होती है, तो उसको ब्लूम बनाना है, मतलब उसमें हरियाली लानी है, खुशियाली लानी है, इससे मतलब ये है. दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन इन सक्सेस. तो वो कहता है कि सक्सेस में मेरा फर्स्ट लेसन था. तो उसके बाद क्या होता है, इट इज़ नॉट अबाउट वट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ. तो वो कहते हैं कि ये नहीं है कि तुम जो अपने लिए बना रहे हो, इट इज़ वट यू लीव बिहाइंड दैट डिफाइन सक्सेस. सक्सेस वो है कि जो तुमने अपने पीछे से छोड़ा है लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, वो सक्सेस है. कि आप दूसरों के लिए क्या अच्छा करके गए हो, अपने लिए तो हर कोई कर लेता है. माई मदर बिगेन डेवलपिंग अ कैटरेक्ट इन हर आइज. तो वो कहता है कि जो मेरी मॉम थी, मॉम है, उनकी आइज में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी. कैटरेक्ट एक डिसीज होती है, एक बीमारी होती है जो आँखों में होती है, ठीक है, और इसकी वजह से लॉस ऑफ आईसाइट हो जाता है. लॉस ऑफ आईसाइट का मतलब उससे आँखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है. When I was very small, जब मैं बहुत छोटा सा था तभी से ही उनकी जो मॉम थी, ऑथर की जो मॉम थी, उनकी आईज़ में कैटरेक्ट की डिसीज़ होने लग गई थी. At that time, the eldest of my brothers got a teaching job in Bhubaneswar. वो कहता है उस टाइम पे जो मेरा eldest brother है, जो मेरा सबसे बड़े वाला भाई है, उसको टीचिंग की जॉब मिल गई थी, वो टीचर की उनको जॉब मिल गई थी भुवनेश्वर में. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट माई मदर वुड मूव टू टेक केयर ऑफ हिम. तो ये डिसाइड हुआ कि जो मेरी मम्मा है वो मेरे बड़े भाई के साथ जाएंगी. एंड एज हर अपेंडेज, अपेंडेज का मतलब होता है आई हैड टू मूव टू, और मतलब हर अपेंडेज मतलब कि एक छोटे बच्चे के तौर पे, कि जैसे जो ऑथर था वो सबसे छोटा था, तो अपनी मम्मा के साथ साथ वो भी चला गया था. अपेंडेज का मतलब होता है जो लेस इम्पॉर्टेंट हो, मतलब जो छोटा बच्चा है उसकी तो पढ़ाई करवानी है बस स्कूल की, तो भुवनेश्वर में जाके वहाँ पे दूसरी जगह एडमिशन ले लेते, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी ऑथर को भी साथ ले जाने में. तो साथ में कौन गया, सबसे बड़े वाला भाई गया, मॉम गई और ऑथर गया भुवनेश्वर. I had to move too, मुझे भी जाना पड़ा. For the first time in my life, I saw electricity in homes. तो वो कहता है अपनी लाइफ में पहली बार मैंने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली देखी थी. And water coming out of a tap, और नल से निकलता हुआ पानी देखा था. I was around 1960, it was around 1965, वो 1965 की बात है. And the country was going to war with Pakistan, और हमारी कंट्री की लड़ाई होने वाली थी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ. My mother was having problems reading and in any case, वो कहता है कि जो मेरी मॉम थी उनके आँखों में अब उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होने लग गई थी. बींग बंगाली मीडियम एजुकेटेड, शी डिड नॉट नो द ओरिया स्क्रिप्ट. और जो उनकी मॉम थी वो बंगाली थी,
बंगाली मीडियम से पढ़ी हुई थी वो, और इसलिए उनको ओड़िया की स्क्रिप्ट, ओड़िया की स्क्रिप्ट मतलब जो ओड़िया की भाषा जो लिखी जाती है वो उनको नहीं पता थी। सो इन एडिशन टू माई डेली कोर्स, तो डेली कोर्स मतलब जो मैं रोज़मर्रा का काम करता था, जो ऑथर डेली का अपना जो काम करता था, माई जॉब वॉज टू रीड हर द लोकल न्यूज़पेपर। उस रोज़ के काम में ऑथर का एक काम और था, और वो काम क्या था, डेली लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना, जो उस एरिया में, जो भुवनेश्वर में जो न्यूज़पेपर आता है वहाँ का न्यूज़पेपर अपनी मम्मा को पढ़ के सुनाने का काम था, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। दैट क्रिएटेड इन मी अ सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस विद द लार्जर वर्ल्ड। तो फिर डेली जब कोई भाई बच्चा बचपन से ही जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसको तो अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो उसको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी पूरे वर्ल्ड से, वो हमेशा कनेक्टेड रहता था कि हाँ भाई देश दुनिया में क्या हो रहा है। वाइल रीडिंग आउट न्यूज़ अबाउट द वॉर, जब वो वॉर के बारे में न्यूज़ पढ़ते थे, आई फेल्ट दैट आई वॉज फाइटिंग द वॉर माई सेल्फ। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब भी हम किसी लड़ाई के बारे में खबर पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे को, उस ऑथर को भी लगता था। टिल डेट आई मेजर माई सक्सेस इन टर्म्स ऑफ दैट सेंस ऑफ लार्जर कनेक्टनेस। और उसी दिन से मैं अपनी सक्सेस को मेजर करने लग गया था, बिल्कुल कनेक्ट करने लग गए थे वो इन चीज़ों से कि हाँ भाई अगर हमारा देश जीत रहा है तो मैं भी जीत रहा हूँ, है ना, हम लोग दुश्मनों से बच रहे हैं तो मैं भी बच रहा हूँ। तो ऐसे वो अपने आप को कनेक्ट करने लग गया था। मीन वाइल द वॉर रेज्ड एंड इंडिया वॉज फाइटिंग ऑन बोथ फ्रंट्स। अब जो वॉर थी, वो वॉर रेज्ड का मतलब होता है वॉर बढ़ने लग गई थी, और जो इंडिया थी वो दोनों तरफ से लड़ रही थी। लाल बहादुर शास्त्री द देन प्राइम मिनिस्टर, जो लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर, कॉइन्ड द टर्म जय जवान जय किसान। उन्होंने टर्म निकाली थी जय जवान जय किसान, जो हम आज भी बोलते हैं उनको जब भी हम याद करते हैं। एंड गैल्वेनिस्ट, गैल्वेनिस्ट का मतलब होता है मेड समवन टेक एक्शन बाय एक्साइटिंग देम, के मतलब कि किसी पर्सन को मतलब लोगों को आगे प्रोत्साहित करते थे कि हाँ भाई हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। द नेशन इन टू पेट्रियाटिक फेवर, जो पूरा नेशन था वो पेट्रियाटिक फेवर में था, मतलब अपने देश की तरफ था। आई हैड नो क्ल्यू अबाउट हाउ आई कुड बी पार्ट ऑफ द एक्शन। वो बच्चा कहता है, ऑथर कहता है, मुझे कोई क्ल्यू नहीं था कि मैं इस एक्शन का, इन सारे काम का कैसे हिस्सा बनूँ। सो आफ्टर रीडिंग हर द न्यूज़पेपर, तो जब भी मैं अपनी मम्मा के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता था, एवरी डे आई वुड लैंड अप नियर द लोकल यूनिवर्सिटीज़ वाटर टैंक। तो मैं लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के पानी के टैंक के ऊपर आ जाता था, विच सर्व द कम्युनिटी। आई वुड स्पेंड आवर्स अंडर इट इमेजिनिंग, और वो जो यूनिवर्सिटी का जो वाटर टैंक था ना, उसके अंदर वो चला जाता था और वहाँ पे वो काफ़ी घंटे बिता देता था। इमेजिनिंग दैट देयर कुड बी स्पाइस वुड कम देयर टू पॉइजन द वाटर, और अब ये इमेजिन करता था वो ऑथर कि कहीं स्पाइस ना आ जाए, कहीं घुसपैठिए ना आ जाए, और वो कहीं ये जो पानी की जो टंकी है इसके अंदर कहीं पॉइजन ना डाल दें। एंड आई हैड टू वॉच फॉर देम, और इसलिए मुझे उन सब पे नज़र रखनी है कि कोई इस पानी की टंकी के अंदर, वाटर टैंक के अंदर ना आ जाए। आई वुड डे ड्रीम अबाउट कैचिंग वन एंड हाउ द नेक्स्ट डे, और वो ऑथर कहता है कि मैं डे ड्रीम करता था, मैं दिन में बैठ के सपने देखता था कि मैंने उन्हें पकड़ लिया है। आई वुड बी फीचर्ड इन द न्यूज़पेपर, और फिर मैं ये सोचता था कि अगले दिन मुझे न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आई है। ये सारे बच्चे करते हैं, आई नो दैट सभी बच्चों के मन में ये सब होता है कि हाँ मैं अच्छे अच्छे काम करूँ, और सब बच्चे डे ड्रीमिंग भी करते हैं, तो ऐसे ही ऑथर भी करता था। दैट एक्ट अनलॉक्ड माई इमेजिनेशन। अब ये जो एक्ट था, ये जो सारा इसके दिमाग में चल रहा था कि टैंक की, जो वाटर की टैंक है, उस टैंक में कोई आके पॉइजन ना डाल दे, कोई जहर ना डाल दे, तो मुझे सब पे नज़र रखने, तो इससे क्या हुआ, ऑथर की इमेजिनेशन अनलॉक्ड हो गई। अनलॉक्ड का मतलब उसकी इमेजिनेशन थी ना, जो उसकी सोचने की क्षमता थी, वो अब और आगे बढ़ी। इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग, क्योंकि अब जो इमेजिनेशन है वो सब कुछ है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो चीज़ होगी कैसे, पहले हम सोचते हैं तभी तो हम उस काम को पूरा करते हैं। इफ़ वी कैन इमेजिन अ फ्यूचर, अगर हम अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं ना, अगर हम अपना भविष्य इमेजिन कर सकते हैं, अपना भविष्य सोच सकते हैं, वी कैन क्रिएट इट, तो हम उसको बना भी सकते हैं। इफ़ वी कैन क्रिएट दैट फ्यूचर, और अगर हम उस फ्यूचर को बना सकते हैं, अदर्स विल लिव इन इट, तो उस भविष्य में, उस फ्यूचर में और लोग भी हमारे साथ अच्छे से रहेंगे।
दैट इज़ द एसेंस ऑफ सक्सेस, और यही एसेंस है सक्सेस का, यही जादू है सक्सेस का. ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद माई मदर्स आई साइट डिम्ड, मेरी मम्मा की आई साइट जो थी वो डिम्ड होने लग गई, बहुत ज़्यादा ख़त्म होने पे आ गई. बट इन मी शी क्रिएटेड अ लार्जर विजन विथ विच आई कॉन्टिन्यू टू सी द वर्ल्ड. लेकिन उन्होंने मुझ में एक लार्जर विजन बना दिया था, मतलब मेरी इमेजिनेशन इतनी अच्छी उन्होंने कर दी थी और मुझे सोचने की इतनी अच्छी क्षमता दी थी उन्होंने कि मैं वर्ल्ड को देख सकूं. एज द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अनफोल्डेड, कुछ साल और निकले, हर विजन डिटोरिएटेड, और जो उनके विजन था डिटोरिएटेड हो गया, एक तरीके से बिल्कुल ख़राब से ख़राब हो गया. डिटोरिएटेड मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाना. एंड शी वॉज ऑपरेटेड अपॉन फॉर कैटरैक्ट, और उनका कैटरैक्ट का जो उनको बीमारी थी, जो डिसीज़ थी, उसका ऑपरेशन हुआ उनकी आँखों का. हर विजन बिकेम क्लियर आफ्टर द ऑपरेशन. ऑपरेशन होने के बाद उनका जो विजन था, जो उनकी देखने की क्षमता थी, वो सही हो गई, वो देख पा रही थी दुनिया को. बट विद इन वीक्स ऑफ गेटिंग हर साइट बैक, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जब उन्हें सब कुछ दिखने लग गया था, शी डेवलप्ड अ कॉर्नल अल्सर, और उनको कॉर्नल अल्सर की बीमारी हो गई आँखों में. एंड ओवर नाइट बिकेम ब्लाइंड, और रात ही, एक ही रात के अंदर अंदर वो ब्लाइंड हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से अंधापन आ गया उनकी आँख में, बिल्कुल देखने की बिल्कुल ख़त्म हो गई उनकी क्षमता आँखों की, दोनों आँखों की. दैट वॉज इन 1969, वो 1969 की बात है, और उनकी जो मृत्यु थी, शी डाइड इन 2002, और वो 2002 में डाई, डेथ हुई थी उनकी. एंड इवन दो शी हैड लिव्ड विद ब्लाइंडनेस फॉर 32 ईयर्स, और ये सब होने के बाद भी वो ब्लाइंडनेस के साथ, मतलब ब्लाइंडनेस होता है कि जो इंसान देख नहीं सकता, ऐसी हालात में भी वो 32 ईयर्स तक जी. शी नेवर कंप्लेंट अबाउट हर फेट इवन वंस, उन्होंने अपनी किस्मत पे कभी भी एक भी बार ऐसे कोई शिकायत नहीं करी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. क्यूरियस टू नो वट शी सॉ विद ब्लाइंड आइज, वो हमेशा क्यूरियस रहती थी. सॉरी, वो जो ऑथर था वो काफ़ी क्यूरियस था कि वो अपनी ब्लाइंड आईज से क्या देखती हैं, मतलब अंधी आंखों से वो क्या देखते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं दिखता. आई आस्क्ड हर वंस इफ शी सीज डार्कनेस, तो एक बार ऑथर ने अपनी मम्मा से पूछा कि क्या तुम्हें डार्कनेस नज़र आती है, क्या तुम्हें अंधेरा नज़र आता है. शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है, नो आई डू नॉट सी डार्कनेस, वो कहती है मुझे डार्कनेस नहीं दिखती, आई ओनली सी लाइट इवन विद माई आईज क्लोज्ड, वो कहती है मेरी आंखें बंद होने के बाद भी मुझे सिर्फ लाइट दिखती है, मुझे सिर्फ रोशनी दिखती है. ये पॉजिटिविटी में लेकर सोचिए कि उनके साथ इतना सब कुछ बुरा होने के बाद भी वो पॉजिटिव हैं कितनी ज़्यादा. अनटिल शी वॉज 80 ईयर्स ऑफ एज, जब तक वो 80 साल तक की एज की नहीं हुई, सॉरी 80 साल तक की उम्र तक, शी डिड हर मॉर्निंग योगा एवरी डे. 80 साल की उम्र तक वो अपनी डेली की मॉर्निंग योगा करती थी, सुबह उठ के योगा करती थी, स्वेप्ट हर रूम, अपने रूम को साफ सफाई करती थी, एंड वॉश्ड हर ओन क्लोथ्स, और अपने खुद के कपड़े धोती थी. टू मी सक्सेस अबाउट दिस सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहते हैं मेरे लिए सक्सेस ये इंडिपेंडेंस है कि इतनी परेशानियों के बाद भी वो किसी का उन्हें सपोर्ट नहीं चाहिए, वो अभी भी इंडिपेंडेंट ही है. इट इज़ अबाउट नॉट सीइंग द डार्कनेस, ये डार्कनेस ना देखने के ऊपर नहीं है, बट सीइंग द लाइट, ये क्या है, लाइट, मतलब इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद भी, इतनी सारी परेशानियों के बाद भी उसकी मॉम ने अपनी लाइफ को जीने का तरीका ढूंढ लिया, पॉजिटिविटी में रहने का तरीका ढूंढ लिया. ओवर द मैनी इंटरवेनिंग ईयर्स, काफ़ी सारे सालों के बाद, इंटरवेनिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग बिटवीन टू इवेंट्स, मतलब एक के बाद एक साल होने के बाद, आई ग्रू अप, मैं बड़ा हुआ, स्टडीड, मैंने पढ़ाई करी, ज्वाइन द इंडस्ट्री में गया, एंड बिगेन टू कार्व माई लाइफ्स ओन जर्नी, और अपनी खुद की लाइफ की जर्नी कार्व करनी शुरू करी. कार्व मतलब अपनी खुद की लाइफ मैंने बनानी शुरू करी. आई बिगिन माई लाइफ एज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में एज अ क्लर्क की जॉब, क्लर्क की नौकरी पर लगा. वेंट ऑन टू बिकम अ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड फाउंड माई लाइफ कॉलिंग विद द IT इंडस्ट्री. तो वो कहता है मैंने अपना काम एज अ क्लर्क शुरू करा था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तौर पर गया था, एंड फाउंड माई लाइफ कॉलिंग विद द IT इंडस्ट्री वेन द 4th generation कंप्यूटर्स केम टू इंडिया इन 1981. और कहाँ पे मुझे, कहाँ पे फिर, मतलब
और आगे आगे वो कहाँ जाके बढ़ा, वो आईटी इंडस्ट्री तक पहुँच गया जो काफ़ी फेमस है। और उस टाइम पे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स चलते थे, 1981 की बात है। लाइफ टुक मी प्लेसेस, मेरी लाइफ मुझे जगह जगह लेकर गई। आई वर्कड विद आउटस्टैंडिंग पीपल, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। कम्प्लीटेड चैलेंजिंग असाइनमेंट्स करे, मतलब जो भी टास्क ऑफिस की तरफ से, इंडस्ट्री की वजह से तरफ से मिलता है वो सब पूरा करा। एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करी, हर जगह मैं घूमा। इन 1992 व्हाइल आई वाज पोस्टेड इन द यूएस, 1992 में जब यूएस पे मुझे भेजा गया, ट्रांसफ़र हुआ, आई लर्न दैट माई फादर, मैंने ये सीखा कि जो मेरे पापा हु वॉज लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ, जो अब रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब एक लिमिटेड एज तक होती है, उसके बाद फिर रिटायरमेंट हो जाता है। विद माई एल्डेस्ट ब्रदर, रिटायर होने के बाद वो अपने सबसे बड़े वाले भाई जो टीचर थे उनके साथ रह रहे थे, हैड सफर्ड अ थर्ड डिग्री बर्न इंजरी। तो जो उनके फादर थे, उनके फादर को थर्ड डिग्री का बर्न इंजरी हो गई थी, वो जल गए थे बुरी तरह, एंड हैड बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल इन दिल्ली, और उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आई फ्लू बैक टू अटेंड टू हिम, मैं वापस USA दिल्ली आया उनको मिलने। ही रिमेन फॉर अ फ्यू डेज इन अ क्रिटिकल स्टेज, वो कुछ दिनों तक बहुत बुरी हालत में रहे, क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी, बैंडेज फ्रॉम नेक टू टो, गले से लेकर पैरों के अंगूठे तक उनको पूरा पट्टियों में बांधा हुआ था, बैंडेज की हुई थी जलने की वजह से। द हॉस्पिटल वॉज अ कॉकरोच इन्फेस्टेड, अब जो हॉस्पिटल में वो थे उसको, वो हॉस्पिटल कॉकरोच इन्फेस्टेड था, मतलब उसमें इतने सारे कॉकरोचेस भरे हुए थे, कीड़े वीड़े भरे हुए थे, डर्टी था, गंदा था, इनह्यूमन प्लेस था, इनह्यूमन प्लेस मतलब इतनी गंदी जगह थी कि जहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। वन मॉर्निंग वाइल अटेंडिंग टू माई फादर, एक दिन सुबह अपने पापा से जब वो मिल रहा था, आई रियलाइज दैट द ब्लड बॉटल वॉज एम्प्टी, तो मैंने ये देखा कि जो ब्लड बॉटल है, जो उनको खून चढ़ाया जा रहा है, वो उसकी बॉटल खाली हो रखी है। एंड फियरिंग दैट एयर वुड गो इन टू हिज वेन, और उनको ये डर लग रहा था जब ब्लड की बॉटल, जो खून की बॉटल है, अगर वो खाली हो जाएगी, तो खाली होने के बाद भी अगर उसमें नहीं डाला गया ब्लड वापस, तो उनकी वीन्स, जो उनकी नसें हैं, उनके अंदर तो हवा भर जाएगी, तो उसको इन चीज़ से डर लग रहा था। तो उसने आई आस्क द नर्स टू चेंज इट, तो ऑथर ने नर्स से बोला कि आप प्लीज़ इस बॉटल को चेंज कर दो। शी ब्लंटली टोल्ड मी टू डू इट माई सेल्फ, और एकदम से उसने, नर्स ने ये जवाब दिया कि तुम खुद करो ये काम। इन दैट हॉरेबल थिएटर ऑफ डेथ, थिएटर ऑफ डेथ उसको इसलिए कहा गया, इतनी गंदी जगह जहाँ पे तुम बीमार लोगों को रख रहे हो और वो इतनी गंदी जगह में रह रहे हैं, तो उसमें इंसान वैसे ही उसकी बुरी हालत हो जाएगी, तो इसलिए उसने उस जगह का नाम थिएटर ऑफ डेथ बोला है। आई फेल फ्रस्ट्रेशन, मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लग गई, मुझे गुस्सा आने लग गया, एंड एंगर। फाइनली व्हेन शी रिलेंटेड एंड केम, और फाइनली रिलेंटेड का मतलब होता है एग्रेड टू डू समथिंग, मतलब वो जब मान गई और वो आई, माई फादर ओपन्ड हिज आइज एंड मर्मर टू हर, तो मेरे पापा ने आइज खोली और मर्मर मतलब धीरे आवाज़ में, उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो उन्होंने धीरे आवाज़ में बोला वाई हैव यू नॉट गोन होम येट, तो उन्होंने फिर भी नर्स से बड़े प्यार से बोला कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। आई वॉज स्टंड एट हिज स्टॉइक, वो कहता है कि मैं उनकी ये बात सुन के बिल्कुल स्टंड रह गया, बिल्कुल सरप्राइज रह गया कि स्टॉइक मतलब कि उनको अभी भी कोई शिकायत नहीं है, वो नर्स तो ये कह रही है कि हाँ भाई तुम खुद चेंज कर लो बॉटल, उनको कोई जान की फिक्र नहीं है, और वो तब भी ये पूछ रहे हैं। देयर आई लर्न दैट देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ कंसर्न यू कैन बी फॉर अनदर ह्यूमन बींग, तो उस जगह उस ऑथर ने अपने फादर से ये बात सीखी कि कंसर्न की, किसी पर्सन की कंसर्न की, किसी इंसान के बारे में का केयर करने की कोई लिमिट नहीं होती, कि दूसरे ह्यूमन बीइंग के बारे में अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं होती। माय फादर डाइड द नेक्स्ट डे, जो ऑथर के फादर थे वो अगले ही दिन मर गए। ही वॉज अ मैन हू सक्सेस वॉज डिफाइंड बाय हिज प्रिंसिपल, वो इंसान थे जिनकी सक्सेस उनके प्रिंसिपल से पता चलती थी, प्रिंसिपल्स मतलब वो इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने शुरू से ही कितनी अच्छी चीज़ें फॉलो करी, एंड हिज सेंस ऑफ इंक्लूजन अबव ऑल ही टॉट मी दैट सक्सेस इज़ योर एबिलिटी, और इन सब से ऊपर उन्होंने मुझे ये सिखाया, ऑथर को ये सिखाया कि सक्सेस ऑफ एबिलिटी टू राइज अबव योर डिसकम्फर्ट, कि आप
सक्सेस वो है कि तुम अपने डिसकंफर्ट से भी बाहर निकलो। कि वो इतने परेशानी में थे, उसके फादर पूरी तरह जल गए थे, नर्स इतने तरह ऐसे बुरा बोल रही थी, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने डिसकंफर्ट, अपने परेशानियों से वो बाहर निकले रहे। उन्होंने अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया अपने एंड टाइम तक। वट एवर यू आर करेंट स्टेटेड, जो भी आपकी अभी जो स्टेट है उससे वो बाहर निकल गए थे। माई फादर वॉज अ फर्वेंट बिलीवर इन द ब्रिटिश राज। फर्वेंट बिलीवर मतलब बिल्कुल वो बिलीव करते थे ब्रिटिश राज पे। ब्रिटिश राज मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर था जब इंडिया, तब की बात है ये। तो वो बहुत बिलीव करते थे ब्रिटिश राज पे। ही सिंसियरली डाउटेड द कैपेबिलिटी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़। और उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको डाउट रहता था कि जो इंडिया की जो पार्टीज़ बनी है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट रहता था कि जो इंडिया की पार्टीज़ हैं ये सब सही से करेंगी भी हमारी कंट्री को, सही से गवर्न भी करेंगी। माई मदर वॉज द एग्जैक्ट अपोजिट। और जो उनकी मॉम थी वो मॉम बिल्कुल अपोजिट थी, उल्टी थी उनके पापा के। वेन सुभाष चंद्र बोस क्विट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जब क्विट कर दिया था, उन्होंने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब वो चले गए थे एंड केम टू ढाका, जब वो ढाका में आए, माई मदर जो मेरी जो उनकी मॉम थी देन अ स्कूल गर्ल, जब स्कूल गर्ल थी वो, जब स्कूल में पढ़ती थी, गार्लैंडेड हिम, उन्होंने उनको माला पहनाई थी। गार्लैंडेड मतलब होता है माला पहनाना। शी लर्न टू स्पिन खादी, उन्होंने ये सीखा कि खादी कैसे बनाते हैं, जो हमारी इंडियन थी जिनको गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा बोला है यूज़ करने के लिए। एंड जॉइंड एंड अंडरग्राउंड मूवमेंट दैट ट्रेंड हर इन यूजिंग डैगर्स। और जो उनकी मॉम थी उनके मॉम ने मूवमेंट, अंडरग्राउंड मूवमेंट मतलब दुनिया से छुपा के जो होती है वो ज्वाइन करी थी, मूवमेंट ज्वाइन करी थी और ट्रेंड हर इन यूजिंग डैगर्स। और उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली थी डैगर्स यूज़ करने में। डैगर्स होते हैं शॉर्ट नाइव्स विद पॉइंटेड एंड एज्ड ब्लेड, छोटे छोटे चाकू जो होते हैं काफ़ी आगे से पॉइंटेड, काफ़ी नुकीले होते हैं, तो वो यूज़ करने में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी ऑथर की मॉम ने। और स्वॉर्ड्स भी चलाना सीखा था, तलवार भी चलानी सीखी थी। Consequently, our household saw diversity. तो इसका क्या रीज़न हुआ कि भाई मॉम तो पक्की इंडिया की तरफ है और जो पापा है उनको ब्रिटिश राज पसंद है, तो उससे क्या हुआ कि जो घर था घर में ही उसने बच्चे ने ऑथर ने इतनी डाइवर्सिटी देख ली कि पापा कहीं और सोचते हैं, मम्मा कहीं और सोचती है। इन द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द टू, कि दो मम्मी पापा का जो पॉलिटिकल आउटलुक था कि एक इंडिया की तरफ है दूसरे ब्रिटिशर्स को अच्छा मानते हैं, तो ये सब। ऑन मेजर इशूज़ कंसर्निंग द वर्ल्ड, अब जो इशूज़ हैं जो हमारे दुनिया के, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड लेडी हैड डिफरिंग ओपिनियंस, दोनों हस्बैंड वाइफ के अलग अलग ओपिनियंस थे, दोनों की अपनी अलग अलग राय थी। इन देम वी लर्न द पावर ऑफ डिसएग्रीमेंट, और उन दोनों की जो मम्मी पापा की जो अलग अलग सोच थी उससे बच्चों ने ये सीखा कि डिसएग्रीमेंट की में भी एक पावर होती है। सामने वाले की आप बात नहीं मान रहे, वो आपकी बात नहीं मान रहा, उसमें भी एक ताकत होती है। ऑफ डायलॉग एंड द एसेंस ऑफ लिविंग विद डाइवर्सिटी इन थिंकिंग, उन्होंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की सोच भी आपके जैसी हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी तरह ही सब कुछ करे, लेकिन फिर भी आपको साथ में रहना पड़ता है। तो डाइवर्सिटी में भी जीना उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया कि उनके पेरेंट्स की खुद की सोच इतनी अलग है, लेकिन तब भी वो हस्बैंड वाइफ है, तब भी वो साथ रहते हैं। तो अलग होने के बाद भी साथ रहना उनके पेरेंट्स ने सिखाया। 2 years ago, 2 साल पहले, एट द एज ऑफ 82, जब 82 ईयर्स की थी उनकी मॉम, हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक, उनको पैरालिटिक स्ट्रोक आया था, मतलब उनको पैरालाइज हो गया था जिसके अंदर बॉडी काम करना बंद कर देती है। एंड वॉज इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। आई फ्लू डाउन फ्रॉम US टू विजिट हर, मैं US से वापस आया है उनको मिलने। आई स्पेंड 2 weeks, मैंने वहाँ 2 हफ्ते लगाए विद हर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मैं उनके साथ 2 हफ्तों तक रहा। शी वॉज नीदर गेटिंग बेटर नॉर मूविंग ऑन, ना ही वो ठीक हो रही थी ना ही वो अपनी जगह से हिल रही थी। मतलब पैरालाइसिस में ये होता है कि पर्सन बिल्कुल उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, तो वो हालत हो रही थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो इवेंचुअली आई हैड टू रिटर्न टू वर्क, अब उसको तो जो ऑथर था उसको तो बेचारे को काम पे तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नौकरी छूट जाएगी।
तो उनको काम पे जाना पड़ा। एज आई वॉज लीविंग, जब मैं जा रहा था, आई किस्ड हर फेस, मैंने अपनी मॉम के फेस पे किस करी इन दैट पैरालिटिक स्टेट, इन अ ग्रैबल्ड वॉइस, जो उनकी पैरालिटिक स्टेट थी, जिस स्टेट बहुत बुरी स्टेट थी, पैरालिटिक, जो उनको पैरालाइसिस हो रखा था, उस स्टेट में उन्होंने ग्रैबल्ड वॉइस, मतलब बिल्कुल गिरी गिरी सी जो आवाज़ होती है, हल्की फुल्की मुँह से जो आवाज़ निकलती है, उसमें उन्होंने बोला, वाई आर यू किसिंग मी, तुम मुझे क्यों किस कर रहे हो, गो किस द वर्ल्ड, जाके दुनिया को किस करो, किस इन द सेंस के मतलब जाके पूरी दुनिया को देखो कि कितनी अच्छी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है। दिस वुमेन हु केम टू इंडिया एज अ रिफ्यूजी, ये वुमेन जो इंडिया आई थी एज अ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब उनको निकाला गया था ना देश से, वॉज नो मोर एजुकेटेड देन हाई स्कूल, जो हाई स्कूल से ज़्यादा तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वॉज मैरिड टू एनॉयमस गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसकी शादी एक गवर्नमेंट सर्वेंट से हो गई, एनॉयमस जिनको तो एनॉयमस का मतलब होता है जिनको वो जानती भी नहीं थी, हुज़ लास्ट सैलरी वॉज 300, और जिनके हस्बैंड की मतलब जो फादर है उनके पापा की इनकम सिर्फ 300 रुपये थी, वॉज रॉब्ड ऑफ हर आईसाइट बाय फेट, जिनकी किस्मत ने, जो मॉम के बारे में कह रहा है, जिनकी किस्मत ने उनसे उनकी आंखें छीन ली, रॉब्ड मतलब छीन ली, वॉज टेलिंग मी टू गो एंड किस द वर्ल्ड, वो मुझे बता रहे कि जाओ और जाके दुनिया को देखो, दुनिया को पूछो। सक्सेस टू मी इज़ अबाउट विजन, वो कहते हैं मेरे लिए सक्सेस विजन है, विजन मतलब कि जो आप देखते हो, इट इज़ द एबिलिटी टू राइज अबव पेन, सक्सेस वो है कि आप अपने दुख से भी बाहर निकल सको। इट इज़ अबाउट इमेजिनेशन, वो आपकी इमेजिनेशन को लेकर है कि आप क्या सोचते हो। इट इज़ अबाउट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी टू स्मॉल पीपल, जो आपसे नीचे लोग हैं, जो आपसे थोड़े पीछे रह गए हैं, उन लोगों के बारे में सेंसिटिविटी, उन लोगों के बारे में कुछ सोचना, वो सक्सेस है। इट इज़ अबाउट कनेक्टेडनेस टू अ लार्जर वर्ल्ड, ये सक्सेस क्या है कि इतनी बड़ी दुनिया के साथ कनेक्ट बना के रखना हमारा बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कहाँ पे। इट इज़ अबाउट गिविंग बैक मोर टू लाइफ, सक्सेस है कि अपनी लाइफ से ज़्यादा वापस दो अपनी ज़िंदगी को, देन यू टेक आउट ऑफ इट, जो तुमने लिया है उससे ज़्यादा करके दो। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस विद ऑर्डनरी लाइफ्स, नॉर्मल सी हमारी लाइफ होती है और अपनी नॉर्मल सी लाइफ से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस चाहिए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस हमें पॉजिटिविटी में चाहिए, जैसे महात्मा गांधी है, जैसे कि नेताजी चंद्र बोस है, तो इन सब चंद्र बोस हैं, इनकी तरह हमें अच्छी सक्सेस चाहिए कि हाँ भाई वो सब भी नॉर्मल थे, वो सब भी हमारी तरह इन दुनिया में आए थे, लेकिन आज भी लोग उन सबको जानते हैं, तो हमें ऐसी सक्सेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक एंड गॉड स्पीड, वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मैं आप सबको गुड लक विश करता हूँ। तो ये ऑटोबायोग्राफी थी एंड अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस इज़ एन एड्रेस बाय सुब्रतो बागची ने ये लिखे हैं, लिखी है ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ माइंडट्री लिमिटेड, माइंडट्री लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, टू द क्लास ऑफ 2006 एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हैं, बैंगलोर, ऑन द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अब इन्होंने सक्सेस के बारे में इतनी बड़ी ये डेफिनेशन दी है कि सक्सेस ये सब होता है। माइंडट्री इज़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज, माइंडट्री इंडिया की बहुत जानी मानी सर्विस कंपनीज में से एक है। सुब्रतो वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन इन ओरिसा, जो सुब्रतो थे जब वो पैदा हुए और वो छोटे से टाउन में ओरिसा के बड़े हुए, ही हैड रिटन 3 books, उन्होंने 3 books लिखी एंड सेवरल आर्टिकल्स, और काफ़ी सारे उन्होंने आर्टिकल्स लिखे ऑन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इशूज़, टेक्नोलॉजिकल इशूज़ पे सारा, मैनेजमेंट पे, इंस्पायर्ड बाय हिज मदर्स डाइंग वर्ड टू हिम, और वो अपने मदर्स के जो डाइंग वर्ड्स थे, जो मरते उन्होंने बात भूली थी कि गो किस द वर्ल्ड, ये लाइन से इंस्पायर होकर, इस लाइन से उन्होंने सीख के उन्होंने बुक लिखी, ही रोट गो किस द वर्ल्ड विच वॉज पब्लिश, ये बुक लिखी उन्होंने, और ये कब पब्लिश हुई थी, 2008 में पब्लिश हुई थी एंड वेंट ऑन टू बिकम अ बेस्ट सेलर, और ये काफ़ी अच्छी बुक रही है, काफ़ी अच्छी उस पर बिकी है, तो ये काफ़ी बेस्ट सेलर बुक रही थी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड like this video and thank you for today. See you soon.